हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो डॉक्टर एमडी यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं क्रामाफिन प्लस सिरप की, जिसका साल्ट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिक्विड पैराफिन और सोडियम पाइकोसल्फेट। ये दोस्तों तीनों ही लैक्सेटिव हैं। अगर इसकी क्लास की बात कर लेते हैं क्रामाफिन प्लस सिरप की, तो इसकी क्लास ही लैक्सेटिव होती है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रयोग की, यानी कि क्रामाफिन प्लस सिरप का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो कॉन्स्टिपेशन में, जिसे हम हिंदी में कब्ज कहते हैं, यानी कि पेट का अफारा भी हम कह देते हैं फ्लेटुलेंस। और दोस्तों मल का सही से ना उतरना, मल का टाइट उतरना और पेट की एसिडिटी में दोस्तों इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब हमने अब इसका प्रयोग सीख लिया, अब बात कर लेते हैं हम इसके डोज की। तो दोस्तों इसकी डोज जो होती है वो 15 से लेकर के 30 ml दिन में एक बार या आप दो बार इसका प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो है उल्टी का हो जाना, पेट में दर्द होना, दस्त हो जाने, पेट में ऐठन हो जानी। दोस्तों इसके कुछ ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दोस्तों जो मेन पॉइंट होता है इंटरेक्शन, अब इसकी इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि क्रामाफिन प्लस सिरप किन किन साल्टों से इंटरेक्शन करती है, यानी कि क्रामाफिन प्लस सिरप इन साल्टों के साथ नहीं देनी होती है। याद रखना है आपको एमोक्सिसिलिन के साथ, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ, फ्रूसेमाइड के साथ और दोस्तों प्रेडनिसोलोन के साथ यह इंट्रैक्शन करते हैं। तो आपको क्रामाफिन प्लस सिरप इन साल्टों के साथ यूज़ नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो आपको याद ही रखने होते हैं। याद रखना आपको कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में आप क्रामाफिन प्लस सिरप का प्रयोग ना करें, और आप इसका हाइपर सेंसिटिविटी में भी इस सिरप का आप प्रयोग ना करें, और प्रेगनेंसी के 3 महीने तक आप इस सिरप का प्रयोग ना करें। और एक मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस सिरप का यूज केवल 5 से 7 दिन तक करना होता है, और ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है तो हम 10 से लेकर 12 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।